मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश का गर्व है और इस संस्थान के उत्थान के लिए राज्य सरकार की तरफ से पहले भी मदद की गई है और भविष्य में भी मदद की जाएगी। ये बात उन्होंने आईआईटी मंडी के 12वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कही। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अजित कुमार चतुर्वेदी ने सीएम को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। उन्होंने संबोधन में सीएम जयराम ठाकुर से संस्थान के 12 वर्ष पूरा होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद उन्हें पहली बार आईआईटी में आने का मौका मिला है और ये प्रदेश का प्रतिष्ठित संस्थान है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से प्रदेश के लोगों को ढेरों उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा करना संस्थान का दायित्व है। मैं इस इंस्टीट्यूशन की सफलता के लिए अपनी ओर से कामना करता हूँ और मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉपरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के लिए चाहिए वो दिया गया है और आने वाले समय में भी जितने कॉन्ट्रीब्यूशन की जो जरूरत रहेगी, जहाँ भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी, वो हम उसके लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अब हमारा प्रदेश का एक प्राइड है, हमारे लिए जो है गर्व का है और इसकी सफलता स्वाभाविक रूप से हमको गर्व हासिल करने में जो है वो योगदान देती है, उसलिए हम पूरा उसमें मदद करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आते ही टेक्नोलॉजी की तरफ अधिक ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि उस वक्त कुछ लोगों ने इसका मजाक भी बनाया था, लेकिन कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री की इसी पहल का देश भर ने लाभ उठाया। कोविड काल के दौरान टेक्नोलॉजी के कारण ही वर्चुअल बैठकें संभव हो पाई और किसी भी प्रकार के कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया गया। उन्होंने कहा कि ये तकनीकें ऐसे संस्थानों की देन है जिसका आज पूरा विश्व लाभ उठा रहा है। नहीं तो मीटिंग करनी पड़ती थी, हमको बुलाना पड़ता था या हमको जाना पड़ता था, लेकिन हम एक जगह बैठते थे, डेली मॉनिटरिंग डेप्टी कमिश्नर SP यहाँ पर बैठते हैं, इनके साथ हमारे एक जगह से होती थी, बताइए, और एक घंटे डेढ़ घंटे की उस मीटिंग में हमको स्टेट के मामले में जो भी निर्णय करना होता था इस वायरस के उस बड़े संकट के दौरान, हम डिसीजन करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। ये टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया उस सारी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पर फोकस होकर के काम करने की बात कही, उसका इम्पैक्ट, मतलब उसका आप देखिए कि अब इस कोविड के दौरान उसका कितना कितना वो यूजफुल हुआ, वो सारा जिस पर लोग हंसते थे, लोग मजाक करते थे, ये आज की तारीख में ये आवश्यकता है। ये टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च, ये तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे IIT ये हमारा यहाँ मंडी का है, तो जहाँ ये इंस्टीट्यूशन जो है इसको अपना सहयोग दे करके, जो सोसाइटी को अपना एजुकेट करके, एक माहौल बना करके, एक सारी चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जयराम ठाकुर ने IIT मंडी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज इस संस्थान में 2000 के करीब स्टूडेंट्स और फैकल्टी रह रही है और इससे समूचे क्षेत्र का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि IIT मंडी के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। मंडी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद IIT मंडी तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। उन्होंने संस्थान में चल रहे 100 करोड़ से अधिक के रिसर्च कार्यों पर संतोष जताया और इसके लिए प्रबंधन को बधाई दी। अब तक इस इंस्टीट्यूट में जो है लगभग जो हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ से अधिक की जो है जो हमारी रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स जो है उनका जो है उसकी जो है उनको यहाँ पर करने का, उसके लिए मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके बाद उन्होंने पूरे संस्थान का दौरा भी किया और यहाँ की सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस मौके पर उनके साथ सांसद राम स्वरूप शर्मा और विधायक जवाहर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में आधुनिक सुविधाओं वाली CT स्कैन मशीन का लोकार्पण भी किया।